आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। बहुजन समाज पार्टी द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा को सौंपे। जिला जांजगीर चांपा के डबरा ब्लॉक में आज बीएसपी पार्टी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डबरा को सौंपे। क्षेत्र में सड़क निर्माण में लेट लतीफी व अन्य कई मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा शासन को अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बसपा के श्यामा देवी चंद्रा के अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। श्रीमती श्यामा देवी चंद्रा की कौन सी 7 मांगे हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबान। श्यामा देवी चंद्रा हूँ, बहुजन समाज पार्टी पूर्व प्रत्याशी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। तो हम लोग अभी किसानों के समस्त समस्या और क्षेत्र की समस्या को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और इनके द्वारा ज्ञापन देने के बाद में अगर हमारा मांग नहीं पूरी होती है तो पार्टी द्वारा हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए भी बाध्य होंगे। तो जिसमें हम लोग 7 सूत्रीय अभी मांग किए हैं और बोल के बता दूँ क्या सबको। छत्तीसगढ़ प्रदेश में संचालित सभी चिट फंड कंपनियों से संबंधित हितग्राहियों का सभी राशि वापस दिलाई जाए। खरसिया से डबरा एवं डबरा चंद्रपुर मार्ग PWD बरसात के पूर्व बनाई जाए। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सभी सोसाइटी में खाद्य बीज भंडारण पर्याप्त मात्रा में कराई जाए। किसानों के वरदानों का पैसा अभी तक नहीं मिला है, उसे तत्काल दिया जाए। KCC की राशि किसानों को तत्काल दिया जाए। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपये दिया जाए। गोबर कंपोस्ट खाद कृषकों को जो स्वेच्छानुसार 10 रुपये में के बजाय 6 रुपये की दर से दी जाए, जबरदस्ती लेने हेतु बाध्य न करें। उपरोक्त सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए। विलम्ब की स्थिति में बहुजन समाज पार्टी चंद्रपुर इकाई धरना प्रदर्शन करने पर